हाई एवरी वन, आई एम मीनाक्षी एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल। सो आज मैं आपके साथ बनाऊंगी रोस्टेड नट्स इन माइक्रोवेव, जो कि बहुत सिंपल और ईजी हैं बनाने में। और जैसे कि प्री विंटर्स आ गई हैं, सो दीज नट्स विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। बट बिफोर आई स्टार्ट, डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, बिकॉज मैं बहुत सारे टिप्स दूंगी इस वीडियो में जो कि आपको हेल्प करेंगे रेसिपी बनाने में। एंड वन मोर थिंग, Do follow me on Instagram and Facebook. The link I have given in the description box as well as I have mentioned in the video. So let's go inside the kitchen and make. So let's start with the first flavor, that is sweet and spicy almonds. Iske liye maine liya hai 1 cup almonds, 2 teaspoon honey liya hai maine, 1/2 teaspoon salt, 1/2 teaspoon paprika, ye optional hai, 1/4 teaspoon red chili powder. ये पेपरिका इजीली आपको कहीं से मिल जाएगी, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। इसके बाद एक बोल में अब आप सारे इंग्रेडिएंट्स को डालें, इंक्लूडिंग सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, पेपरिका, एंड लास्ट में आप हनी डालिए। सो आप स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें। हनी डालने के बाद अब आप एक 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे ताकि जो सारे स्पाइसेस हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स करिए स्पून के साथ, और अब माइक्रोवेव करना है सिर्फ 1 मिनट के लिए। सो मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है फॉर 1 मिनट। उसके बाद आप इसको निकालेंगे और अच्छे से स्टर करेंगे ताकि जो नट्स हैं वो सड़ ना जाएं, बर्न ना हो। सो अब इसको अगेन आपने माइक्रोवेव करना है फॉर 1.5 मिनट, जब तक आपको पॉपअप साउंड नहीं सुनती और फाइन अरोमा नहीं रिलीज होता। सो टिप ये है कि आप हनी की जगह ब्राउन शुगर और सिंपल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। सो देख सकते हैं कि 2.5 मिनट के बाद मेरा ये रेडी है। सो अब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्लेट में और इसको ठंडा होने दीजिए कम्प्लीटली, उसके बाद ये क्रिस्पी होंगे। थोड़ा सा अलग अलग कर सकते हैं, हनी करके ये थोड़े चिपक गए थे। So just hear this sound, see how crispy it is. So मेरे sweet and spicy almonds तैयार हैं। So आप इसको गेस्ट को खिलाइए, घर में स्टोर करके रख सकते हैं। So let's move on to चटपटे cashews. ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। So इसके लिए मैंने लिया है 1 कप cashews लिए हैं काजू, और नमक लिया है, चाट मसाला, अमचूर एंड ऑयल, ऑलिव ऑयल लेंगे आप। सो अब एक बोल में आप सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला दीजिए, इंक्लूडिंग 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला एंड 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। सो इन स्पाइसेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मैं 1 to 1.5 टीस्पून ऑयल इसमें ऐड करूंगी। सो इसको मिक्स कीजिए अच्छे से। अब इन्हें भी माइक्रोवेव करें 1 मिनट के लिए। सो 1 मिनट के बाद अब आप अच्छे से दोबारा मिक्स दें, स्टर करें ताकि बर्न ना हो कैशूज आपके। सो मिक्स करने के बाद अब मैं फिर इसको माइक्रोवेव करूंगी 1.5 मिनट के लिए, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया मेरे कैशूज का। सो दे आर कम्प्लीटली डन, रोस्ट हो गए हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल बाजार की तरह बनेंगे आपके ये नमकीन कैशूज, चटपटे कैशूज। सो इनको ठंडा होने दें और ट्रांसफ़र करें एक प्लेट में। सो उसके बाद आपके चटपटे कैशूज तैयार हैं। सो टोटल टाइम मुझे लगा है 2.5 मिनट कैशूज बनाने को। सो लेट्स मूव ऑन टू इटालियन स्पाइस्ड पीनट्स। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप पीनट्स, ये रॉ पीनट्स लिए हैं मैंने, कच्ची मूंगफली है ये, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट, और इटालियन सीजनिंग ली है जिसमें रेड चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो, पार्सले एंड पेपरिका ली है। सो आप कंप्लीटली जो आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही सीजनिंग इस्तेमाल करें। सो अब सारे इंग्रेडिएंट्स को आप कंबाइन कीजिए एक बोल में, मैंने मेजरमेंट आपको बता दी है, आप स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सो द अनदर टिप इज ऑलवेज एड ऑयल टू कम्बाइन ऑल द ड्राई स्पाइसेस, तो ऑयल ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब इसे माइक्रोवेव करें 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद स्टर करें और फिर माइक्रोवेव करें 2 मिनट के लिए।
सो आप देख सकते हैं कि मेरे पीनट्स रेडी हैं। सो इसको ठंडा होने दें कम्प्लीटली, और उसके बाद आप देखोगे कि काफ़ी क्रिस्प और इसका अपने आप छिलका उतरना स्टार्ट हो जाएगा। सो वन मोर टिप इज, आप मिक्स्ड नट्स भी बना सकते हैं अपने फेवरेट फ्लेवर से, सो डू ट्राई वंस। सो इटालियन स्पाइस्ड पीनट्स आर रेडी। टोटल टाइम मुझे 3 मिनट लगे बनाने में। सो मेरे 3 फ्लेवर्स के ड्राई फ्रूट्स तैयार है। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। इफ यू लाइक इट देन हिट द लाइक बटन, क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी रेगुलर नोटिफिकेशन आए वीडियो की। और यस, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद आया है। अगर आपके पास कोई सजेशन है या कुछ पूछना चाहते हैं देन फील फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन टेक केयर, बाय।